रीडिंग लाइट भी है। क्या बात है, ये तो एरोप्लेन वाला फैसिलिटी दे रखा है। जैसे नॉर्मली प्लेनों में या वीआईपी बसेस में हो, देखा वाला सिटी एकदम बढ़िया मस्त। कैसे हो सकता है भाई, रेलवे वालों ने एक सीट दो आदमी को भी, अरे हमारी ट्रेन में ये पोर्क भी ले जा रहा है, ये पोर्क। हेलो दोस्तों, नमस्कारम, स्वागत है एक नई ब्लॉग में। मैं वो टोटन रॉय, और पीछे देखा हुआ है आपको स्टेशन, बताओ क्या नाम है, मंडप्पा। तो ये मंडप्पा स्टेशन है, कहाँ आती है मालूम है क्या? ये मालूम है ना, ये रामेश्वरम में आती है दोस्तों। तो हमारा पिछले दो दिन हम रामेश्वरम में थे, तो यहाँ से अभी हम जाएंगे घर अपनी, एक नई ट्रेन जाने की सफ़र शुरू होने वाली। तो यहाँ से हम जाएंगे चेन्नई, चेन्नई से कल सुबह है हमारी ट्रेन सिलीगुड़ी के लिए, वो भी स्पेशल ट्रेन में जाएंगे। तो स्पेशल बोले तो वो एक अभी एक नया कैटेगरी का आया, कौन सी नाम है भाई वो, थर्ड एसी इकोनॉमी। वो बहुत ट्रेनों में नहीं है ये वाला कैटेगरी, लेकिन नई नई ट्रेनों में नया नया ये फीचर्स डाला है कुछ, बोले तो थोड़ा बहुत वो भी बताएंगे आपको, ये थर्ड एसी इकोनॉमी कैसी होती है। ठीक है, तो बने रहिए इस ब्लॉक में और अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम भाई इंडिया में मोस्टली मिडिल क्लास लोग हैं, ट्रेन में सफ़र करने वाला लोग हैं, तो हो सकता है ये ब्लॉग आपके लिए जानकारी रहे। तो बता दें, यहाँ से हम स्लीपर क्लास में जाएंगे, फिर वहाँ से थर्ड एसी इकोनॉमी में जाएंगे चेन्नई से सिलीगुड़ी तक। ठीक है, तो बस बने रहो, देखते रहो कैसे होती है ट्रेन की जर्नी हमारी, यहाँ से मंडप्पम से लेकर सिलीगुड़ी तक की जर्नी। स्टेशन भी ये काफ़ी हॉन्टेड लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ नहीं है स्टेशन में ना, पावर बैकअप भी नहीं है दोस्तों, पावर बैकअप भी नॉर्मली क्या होता है स्टेशन में, जो अब लोग देखा था ना डिजिटली, भाई ये नंबर ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म, इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जैसे ही स्टेशन में एंट्री किए ना, थोड़ा बहुत झलक आपको दिखा देते हैं, ऐसे जैसे लग रहा है कि हम लोग टाइम मशीन में आ गया, हम लोग 100 साल पीछे या 80 साल पीछे ऐसा चला गया, मतलब अजीब ही है, थोड़ा हॉन्टेड जैसी है। एनीवे मेरे को तो अच्छी लगी, लेकिन आपको अजीब ही लगेंगे ये स्टेशन। मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कारम। तो अभी फिलहाल है हम चेन्नई एग्मो स्टेशन में, खाली रामेश्वरम से आज सुबह हमें यहाँ पे उतारा, तो अभी हम जाएंगे पैदल। वैसे कि टाइम है हमारा, नेक्स्ट ट्रेन है 10 बजे की, वही टाइम हमारा 7। तो यहाँ से स्टेशन की दूरियाँ दिखा रहा है, जो चेन्नई सेंट्रल है वो है करीब 2 किलोमीटर। हम सोचे हैं पैदल चल रहे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उधर भी वैसे बस में जाके, गाड़ी में, मेट्रो में जाके बैठना ही तो है ना। तो सुबह की जो वेदर है, इस चीज़ को भी मज़ा लेते हुए हम पैदल चलते हैं, थोड़ी सी चेन्नई शहर की झलक दिखा देते हैं आपको। तो अभी हम लोग हैं एनरसकला, ऐसा वाला शहर में है जहाँ पे हमारे सुपर हीरो पैदा हुआ है, रजनीकांत जी। अरे यार क्या नहीं उनके, हम जो पीछे थोड़ी सी झलक देख लो। ठीक है, बस 2-3 घंटे रहेंगे इस शहर में, अभी स्टेशन में ही रहेंगे, इधर नहीं जाएंगे, फिर हम चलेंगे अपने गाँव की ओर, जिसका ट्रेन हमारी है होगी 10 बजे दूसरी स्टेशन से। थोड़ी सी आप दिखा देते शहर को, ये देखो, ये देखा रसकला वाला सिटी एकदम बढ़िया मस्त दिख रहा है दोस्तों। अभी लग रहा है ना पुराने जमाने के, जैसे हमारे कोलकाता शहर है, हमारे भारत के 4 महानगर है, कोलकाता, मुंबई, मुंबई बोलते ना पहले, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली एंड मद्रास, ये 4 महानगर थे हमारे पहले जमाने की। वो झलक आपको दिख ही रहा होगा, ये आगे सामने देख लो, कुछ क्या चेन्नई सेंट्रल स्टेशन दिख रहा होगा, तो काफ़ी पहले पहुंच गया, आधा घंटा से कम ही लगा हमें चलने के लिए। अभी अंदर जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग अभी बैठे हैं रेस्ट रूम में, यहाँ पे चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में। हमारी ट्रेन आगे दिखा रहा है न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 10, टाइम 10:45। तो अभी टाइम हो रहा है 9, और बैठे हैं अभी, और 1 घंटा 45 मिनट बैठना है।
फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे। इससे पहले कुछ खाना है, घूमते हैं दुकान खाने। स्टेशन में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे ना, आप देखो ऊपर आपको 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए पानी बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। पहली बात सस्ती बात नहीं, फ्री में तो बहुत अच्छी पानी मिल जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पे सस्ते के साथ साथ क्योंकि मैं पिया अभी अच्छा है। और आपके पास बोतल नहीं है तो 10 रुपए में 1 लीटर पानी आप डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ है, अभी जो मैंने खाना खाया ना, ये साउथ में मैंने नोटिस किया ना, यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत मिनिमल है दोस्तों। ये हमारी नॉर्थ लोगों को थोड़ा ना जागरूक होना चाहिए, साउथ के लोग बहुत कॉन्शियस इस बारे में, वो लोग पोल्यूशन और इस चीज़ को ना, इन्वायरमेंटल चीज़ को ना बहुत सीरियसली लेते हैं। अभी हम लोगों ने कितना खाना खाया बाहर ना, किधर भी हमें प्लास्टिक नहीं दिया, हर जगह पे पेपर्स और जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इधर का, बहुत अच्छा। तो एनीवे हम लोग अभी जा रहे हैं हमारी ट्रेन की, और अभी 10:45 पर छूटेंगे, तो अभी टाइम हो रहा है करीब 10:15 10:20, तो हम चलते यार जाके बैठ जाते। क्या कर रहे हैं? अरे 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 अरे, हमारी ट्रेन में ये पोर्क भी ले आ रहा है, ये पोर्क खिलाएंगे क्या हम लोगों को? अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? अरे 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 अरे, ये क्या है भाई, हमारी ट्रेन में पोर्क लेके जा रहा है, ये तो गंदी बात है। वो नया ट्रेन जो कि चेन्नई से न्यू जलपाईगुड़ी तक ही जाती है, तो हम अभी अपना EM2 बोगी ढूंढेंगे। वैसे ज़्यादातर AC लग रहा है इसमें, है ना, मोस्टली AC है इसमें, तो B2 आया। ट्रेन तो अच्छी लग रही है, नई कंडीशन में है, मे बी उसकी जो इंटीरियर वगैरह क्लीननेस वगैरह अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि हाँ वही तो नई ट्रेन है, बस कुछ ही सालों, 3-4 साल 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, वही है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो क्लीननेस अच्छी रहनी चाहिए और इसका जो इंटीरियर थोड़ा मॉडर्न टाइप की रहनी चाहिए। अब तो वो अंदर जाके पता चलेगा, चलो अंदर चलते देखते। V4 वहाँ पर आप कितना पीछे हैं हम दोस्तों। ये फाइनली आ गए हमारी AM2, उस तरफ चलो, हमारी सीट नंबर है 63 64, देखते हैं क्या हाल होती है। ये चलो, ओ अच्छी तो दिख रहा है। अपने साथ पहली बार गड़बड़ हो गया कि हमारी सीट में दो कंफर्मेशन सीट रेलवे वालों ने दे दिया। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में जाहिर किया कि भाई रेलवे में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो अभी क्या हुआ, हम लोगों का 2 महीने पहले का कंफर्मेशन टिकट है, तो अभी और एक भाई मिला सामने, उनका भी सेम टिकट है, सेम बर्थ है, ये कैसा हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी टीटी वाले को पकड़ना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, रेलवे वालों ने एक सीट 2 आदमी को भेज दिया, ये तो बहुत नहीं सही है। तो अभी जो थोड़ी सी हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गई दोस्तों, जो दूसरे वाला भैया जो उनके भी रेलवे टिकट में सेम कन्फर्मेशन, मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, उनको कंफर्मेशन, उनका भी कंफर्मेशन है, हमारा भी कंफर्मेशन है, सीट नंबर सेम है। तो अभी हमारा करंट, वो भैया ने करंट PNS स्टेटस चेक नहीं किया, हमारा तो वैसे मैसेज आया मेरे को सुबह, तो हमारा करंट स्टेटस स्टिल रिमाइन द सेम, बट वो भैया कि अभी मैंने बोला थोड़ा आपका करंट स्टेटस चेक करो, तो उन्होंने करंट स्टेटस चेक किया तो उनका सीट नंबर बदल गई। तो पता नहीं है कैसे क्यों कैसे हुआ, मेरे को समझ में नहीं, हम उतना डीप में जाएंगे भी नहीं। तो हम जो मुद्दे में आते हैं, ये आपको दिखाना था कि ये इकोनॉमी बोलते हैं ना इसको, इकोनॉमी वाला कैसा होता है, ये ऐसे रहेगी 2-3 टायर, ऐसे थोड़ा मॉडर्न इंटीरियर है, कंपेयरिंग आपका पुराना वाला एकदम अच्छी बढ़िया सी, मतलब
लेटेस्ट डिजाइन ने बनाया होगा, जो पुराना वाला जो बोगी है बिल्कुल वैसी नहीं है, और इनमें काफी वही है हमारा भारतीय जनरल भारतीय नागरिक का तो प्रॉब्लम वही है भाई, फ्री का माल हम हमेशा ऐसे इस्तेमाल करते हैं। एनीवे बाकी गवर्नमेंट ने सही बनाया, अब हमारी जिम्मेदारी इसको हम मेंटेन करके रखें है ना। तो देख सकते हो ये नॉर्मली क्या है ना, इसमें रूम कम दे रखा है इन्होंने, अभी देख सकते हो यहाँ पे जो इनका ये जो डिस्टेंस है दूसरी वाली में ये थोड़ी सी रूम ज्यादा मिलेगी, और इसमें शायद सीट कैपेसिटी ज्यादा है ना, फर्क भी नहीं है पता है आपको, 100 to 150 रुपए का फर्क है वही। मेरे को ये एक्सपीरियंस करना था, नहीं तो मैं उधर ही कर लेता, क्या 100-150 में देखूँ क्या है ना। तो एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, 100-150 ऐसे ही कुछ है, बस हमें ये इकोनॉमी वाला थोड़ा देखना था कैसा है बोल के हमने ये बुक किया। आप देख सकते हो बस इन्होंने थोड़ा सीट की क्वान्टिटी बढ़ा दिया ना, 72 की जगह शायद 84 मतलब 12 सीटें इन्होंने इंक्रीज कर दिया इकोनॉमी में, बट ऐसे डिफरेंस है उस बात से थोड़ा जो रूम है स्पेस है वो कम होगी इतना ही है, और बाकी फैसिलिटी की बात बोलूँ तो भाई देख लो आपको चार्जिंग पॉइंट, आपको वो रीडिंग लाइट भी है, क्या बात है, ये तो एरोप्लेन वाला फैसिलिटी दे रखा भाई सही है मतलब USB पोर्ट में बाप रे बाप, ये तो पूरा भाई कतर एवरे का बिजनेस क्लास का फैसिलिटी दे रहा था ये, देखो ना यहाँ से आ रहा है, आपको पर्सनलाइज एडजस्ट कर सकते हो जैसे नॉर्मल मतलब होती है प्लेन में भी होती है, VIP बसों में भी होती है, आपका एडजस्ट भी कर सकते हो पर्सनलाइज कर सकते हो, ये मतलब नॉर्मली ये जो है ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको इंडस्ट्रियल वाला जो है ऊपर वो तो है ही, लेकिन आप अपने तरफ से आपको तेज हवा चाहिए कम हवा चाहिए बड़ा कमा सकते हो जैसे नॉर्मली प्लेनों में या VIP बसेस में होती है। और यहाँ पे आपको सीट मिलेगी देखो, वाह है ना, थोड़ी प्रीमियम टाइप की फैसिलिटी, प्रीमियम टाइप की थोड़ा इंटीरियर है ना, बाकी यार बढ़िया है। बाथरूम तो मैंने पे गया नहीं, बाथरूम कैसा है भाई, बाथरूम गंदा है, मतलब गंदा टूट गया है, बाकी सही है, मतलब सरकार ने सही बनाया हम लोगों ने तोड़ दिया, गलती हम लोगों की है, तो जैसे बोला भाई सरकार चीज सही करते, हम आम जनता को इस चीज़ को टेक केयर करना है। तो बाकी ये नॉर्मली यहाँ पे जो साइड का जो अपर और लोअर सीट है उनकी सेम है, बस थोड़ी सी इनकी चौड़ाई कम कर दिया गया, और बाकी इस साइड में थोड़ी सी छोटी कर दी गई सीट को, और बाकी फैसिलिटी सब सेम है, थोड़ा मॉडर्न टाइप का लग रहा है, मस्त लग रहा है। Time to say bye-bye, Chennai. So, दोस्तों हमारी जर्नी का अंतिम मोमेंट तो आने वाली है, तो अभी फिलहाल हम लोग है दुर्गापुर स्टेशन में, यह हमारी आखिरी डिनर होने वाली है हमारी सफर में की, तो खाना बहुत ही ज़्यादा बकवास मिला है, लेकिन क्या करें यार ट्रेन की खाना और क्या ही उम्मीद कर सकते हो ना। तो ये है दुर्गापुर स्टेशन, तो ये आज की हमारी आखिरी खाना है, तो यहाँ से आज 4 बजे हमें पहुँचा देंगे सिलीगुड़ी, ठीक है, तो फिर पता नहीं ट्रेन शायद 1 घंटा लेट भी चल रही होगी, तो वही अभी तक फिलहाल जानी तो सही रहा, थोड़ा झमेला हुआ भी थोड़ा बहुत बीच में, लेकिन वही यार भारतीय रेल में ऐसे होता है, वही वही एडवेंचर है तो